हाय दोस्तों, अगेन वेलकम इन माय चैनल। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे बिल्कुल आसानी से अपनी ऐप्स को, मतलब जितनी भी ऐप्स आपने प्रीवियस डाउनलोड की अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर, जिस भी मेल पर आपने इस फ़ोन को कनेक्ट करके रखा है, मतलब जब से, तो यदि वो मेल आपके फ़ोन पर रजिस्टर है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि उसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से आपने जितने भी ऐप प्रीवियस में डाउनलोड किए हैं, 2 साल 4 साल पहले जब भी आपने डाउनलोड किए हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से उनको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। बस इस पर एक शर्त है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो पहले से जो है वही रहना चाहिए, तभी आपकी ऐप जो है तो इस पर मिलेगी, नहीं तो आपकी ऐप नहीं मिलेगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 3 डॉट्स पर जाना है। 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप चले जाएंगे माई ऐप्स एंड गेम पर। यहाँ पर जाने के बाद आप चले जाएंगे सीधे लाइब्रेरी पर, और लाइब्रेरी में जाने के बाद आप देखेंगे मैंने जितनी भी ऐप यहाँ पर डाउनलोड की है प्रीवियस में, मतलब 1 साल 2 साल जब से मेरा ये जीमेल इस पर रजिस्टर, मतलब प्ले स्टोर पर जो मेरा जीमेल ऐड है, तो उस पर मैंने जितनी ऐप डाउनलोड की है उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर लाइब्रेरी पर मिल जाएगी। यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से उस ऐप को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपको भूल गया कि मैंने कौन से ऐप डाउनलोड किया, आप ध्यान नहीं आ रहा, तो आप इसकी मदद से, मतलब इस ट्रिक की मदद से बिल्कुल आसानी से आप यहाँ से कोई भी ऐप को फाइंड करके और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च करने के लिए देखिए यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पर आप सॉर्ट बाय रीसेंट कर सकते हैं, अल्फाबेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि कैसे बिल्कुल आसानी से, मतलब सालों साल डिलीट हुई ऐप बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।